वर्ल्ड टीबी डे है आज, इसलिए आप लोग को थोड़ा सा हमें टीबी के बारे में कुछ समझाना है, कुछ बातें समझानी है आप लोग को। तो ये देखो, 24 मार्च 1882 को जर्मन वैज्ञानिक रॉबर्ट फोच ने टीबी के बैक्टीरिया की खोज की थी, ठीक है। और 1905 में रॉबर्ट को इस खोज के लिए नोबेल पुरस्कार भी मिला था। तो टीबी की बीमारी तो सबको पता है, टीबी की बीमारी देखिए क्षय रोग जिसको कहते हैं, उसको माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक जीवाणु के नाम से जाना जाता है, समझ में आई। तो फेफड़े में होती है सबसे ज़्यादा, फेफड़े में होती है, फेफड़े से फिर किडनी और दिमाग पे भी असर करती है, रीढ़ की हड्डी में चली जाती है, रीढ़ की हड्डी में भी असर करती है, देखिए मस्तिष्क पर हमला कर सकते हैं। तो टीबी से कैसे कैसे बचाव कर सकते हैं, क्या खाना चाहिए, उसमें क्या इलाज करना चाहिए, ये सब उसके बारे में आप लोग को थोड़ा सा समझा लें। मेरा नाम राखी है। जैसा कि हमारी चार दीदी ने बताया कि टीबी क्या होता है, किस बैक्टीरिया से होता है, ठीक है। अब हम आपको बताएंगे कि इसके लक्षण क्या है, अगर किसी को टीबी हो जाती है तो हम कैसे पहचानेंगे कि उस पर्सन को टीबी हो गई है, ठीक है। तो क्या होता है, 3 सप्ताह से अधिक समय तक खांसी होना, अगर 3 हफ्ते से ज़्यादा हो गए उसे खांसते खांसते और खांसी ठीक नहीं हो रही है तो हमें तुरंत जांच करानी है, ठीक है। डॉक्टर से कंसल्ट करना है कि आखिर 3 हफ्ते हो गए खांसी नहीं आ रही है, क्या बात है, ठीक है। फिर है सांस फूलना, और उसकी सांस फूलेगी,